2027 में नरेंद्र मोदी जी जुलाई के महीने में रिटायर हो जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री एक ब्रह्मचारी बनेगा। को जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न न हो तब तक राजनीति ना ज्वाइन करें। क्यों आदिवासी राज्य होने के बावजूद, आदिवासी विधायकों होने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी है? क्यों? सरकार दयावान होनी चाहिए, सरकार राम राज्य की तरह होनी चाहिए, सरकार हमेशा गरीबों की, व्यापारियों की सुनने वाली होनी चाहिए और गुंडों का खात्मा करने वाली होनी चाहिए। हाँ कि ना? जमशेदपुर से लेकर के यहां तक रांची तक मेट्रो रेल बना दीजिए, पूरा का पूरा 140 किलोमीटर डेवलप हो जाएगा कि नहीं? हरिया को बोतल में बंद करके कहीं नहीं बेचते हैं, बालू को नदी से निकाल करके सीमेंट की तरह 25 किलो का बोरी में क्यों नहीं बेचा जाता है जिससे कि एक्साइज ड्यूटी की प्राप्ति हो? हाँ या ना? ये कल के कल हो सकता है, करने वाला चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी का युग आएगा। अभी भी हम लोग किस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो साड़ी दे देंगे, तो धोती दे देंगे, तो दाल दे देंगे, तो भात दे देंगे, टीवी दे देंगे, तो फलना दे देंगे, तो नौकरी दे देंगे, है कुछ नहीं। वो समय कब आएगा जब नेता ये कहेगा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं स्टैंप पेपर पे, एक साल के अंदर अगर नहीं किए तो हमने गद्दी छोड़ देंगे। देखिए कितना गाली पड़ा हमको, कितना मारा हमको, कितना हमको बदनाम किया, हगल मुतल पानी बोला। मैं खड़ा हूं ना, लोग कहेंगे कि इतना पता था तो पिटाई काहे गए? अरे मेरे भाग्य में लिखा हुआ है हमको पिटाना है, उससे भी हमको सफलता मिले, यही मेरा भाग्य है। हाँ कि ना? बार बार ज्योतिष का बात उठ रहा है, तो अब ज्योतिष पे ही चर्चा करते हैं सर। देखिए सर, ज्योतिष में मैं बहुत फास्ट तरीके से बोलता हूँ, लोगों को ये समझना होगा, ज्योतिष एक बहुत पुरानी विद्या है और ज्योतिष ज्योति प्लस इस है ना, इसको ना वेदों में चक्षु कहा गया है, आंख कहा गया है, इसको समझिए। और ये जो शनि राहु केतु इस तरह के कोई ग्रह बेसिकली आप बोलेंगे कि अच्छा हम चंद्रमा पे गए थे तो वहाँ चंद्रमा देव क्यों नहीं थे, ये बेसिकली उपनाम है। जैसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो बिच्छू वृश्चिक, तो आसमान में जो तारों की शक्ल होती है वो बिच्छू की तरह दिखती है। तो ऋषियों ने ये परंपरा बनाई कि साहब ये फला फला ग्रह इस राशि से गुजर रहा है तो ये आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। अमावस्या के दिन अलग इफेक्ट होते हैं, पूर्णिमा के दिन हिरण जंगल से निकलने लगता है। तो ज्योतिष का एक सूत्र बताते हैं आपको, एक कुंडली होती है ऐसे 12 घर का, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर पति का होता है। अगर किसी की पत्रिका में प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो और सातवें भाव पर दृष्टि दे रहा हो, या सातवें भाव में सूर्य बैठा हो, तो उसका डिवोर्स निश्चित है। ये साइंस है। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम देखते हैं सूर्य बैठा हुआ है पहले घर में, देख रहे हैं सातवें घर में, तो पति पत्नी किसी ना किसी कारण से अलग रहेगा, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक चाहे कानूनी, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, शुक्र मंगल रहेगा तो व्यक्ति अति ऊर्जावान होगा, शुक्र चंद्रमा रहेगा तो उसको बड़ी ऑफर मिलेगा अपोजिट सिस्टम से। ज्योतिष को लोग समझ नहीं पाए और ज्योतिष को लोगों ने धीरे धीरे एंटरटेनमेंट का विषय बना लिया, इसीलिए ज्यादातर अमीर लोग और प्रभावशाली लोग अपने पास ज्योतिषी रखने लगे और मिडिल क्लास से ये धीरे धीरे दूर होता गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहस करता है। ठीक है ना, ज्योतिषी की भी एक फीस होती है, इसीलिए हम अपना काम विदेशों में ज्यादा करते हैं और यहां पर भी जो लोग जानते हैं, आपने कभी हमारा रांची में बोर्ड नहीं देखा होगा जबकि हम टीवी में आते हैं, यू नो। सो द आइडिया इज दैट कि ज्योतिष एक साइंस है। और मैं आपको ज्योतिष के अनुसार पे एक दो चीजें बताऊं कि साहब इंडिया के बारे में अगर भविष्यवाणी करें, देखिए ज्योतिषी का मेन काम है भविष्यवाणी करना। ज्योतिषी का काम ही नहीं है कि ज्ञान देना कि अच्छे से रहो, अच्छा अनाचार करो। अरे चोर भी मेरे पास आएगा तो हम बताएंगे कब चोरी करो, समय सुबह है कि नहीं, पकड़ाओगे कि नहीं पकड़ाओ, मेरा प्रोफेशनल काम है। जैसे वकील के पास आप जाइएगा, तू बताएगा कि अच्छा अपराध करके आए हो, ठीक है हम ऐसा ऐसा दलील देंगे, देखिए क्या होता है, भाई फैसला जज को करना है। उसी तरह से ज्योतिषी का काम यह है कि उसको ये बताना कि भाई अभी चुप रहो, अभी ये करो। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में अगर भारत की भविष्यवाणी करें तो मैंने नोट करके भी रखा है, भारत आर्थिक रूप से बहुत तेजी से मजबूत होगा, अंतरिक्ष में भारत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अग्रणी नेताओं में होंगे जो दो देशों के युद्ध को भी सुलझा देंगे और ऑर्डर देंगे, युद्ध बंद हो जाएगा। 2027 में नरेंद्र मोदी जी जुलाई के महीने में रिटायर हो जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री एक ब्रह्मचारी बनेगा। इतनी भविष्यवाणी करने की हिम्मत है आप में? हम कर रहे हैं, गलत हो गई तो लोग कहेंगे ना कमेंट में लिखा था, सही होगा तो कहेगा अरे बाप रे हाफ ऑफ द गॉड। यू अंडरस्टैंड हाउ द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स? यू नो टैलेंटेड पर्सन लाखों में एक आते हैं, आप उनको मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली लीडर वो बहुत पहले होता है, दुनिया उसको बाद में जानती है सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
ओके ना, भारत में अरबपतियों की संख्या तिगुनी होगी। फरवरी से मार्च के बीच में देश की महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी जिससे पूरा देश शोकाकुल रहेगा। पाकिस्तान और चाइना आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होंगे मगर अपनी कुटिल चालों से हमेशा भारत के द्वारा मुंह की खाते रहेंगे। अक्टूबर में जनता बहुत बड़ा आंदोलन करेगी जो देश की केंद्र सरकार के लिए सरदर्द बन जाएगा। किसी यूरोपियन देश से भारत का संबंध खराब होगा। भारत में दो बड़े भूकंप आएंगे और सैन्य शक्ति में भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर दुनिया की आर्थिक बात की करें तो इस बात को समझना होगा कि चाइना की आर्थिक स्थिति कमजोर होने वाली है। अब आप कहेंगे चाइना तो बहुत आगे बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं चाइना की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। अमेरिका का उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई भारतवंशी बनेगा, ठीक है, और यूरोप का में युद्ध छिड़ेगा, ठीक है, एक ऐसा चर्म रोग आएगा जिसमें फुंसी बनेगी और उसमें पानी होगा, और कनाडा की आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। मोदी जी से पंगा लिया है, 32 योग है उस व्यक्ति की पत्रिका में। मोदी जी राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, हाँ, एक इतिहास लिख के जाएंगे वो। और कतर और सऊदी अरब देशों के संबंध खाड़ी देशों से खराब होंगे। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का स्वास्थ्य खराब होगा। 15 देशों में गृह युद्ध होगा। एक असाध्य रोग जैसे कि कैंसर या कोई और रोग पर वैज्ञानिकों का उसका वैक्सीनेशन परफेक्ट मिल जाएगा। 3 देशों में रातों रात सत्ता परिवर्तन होगा। 6 देश बड़े देश आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। इसराइल और हमास का युद्ध अप्रैल से मई के बीच में खत्म होगा। ये मेरी भविष्यवाणियां हैं। ज्योतिषी का मेन काम क्या है? बस बाकी काम नहीं है कि सर दर्द रहता होगा, पति पत्नी में झगड़ा रहता होगा। किसका नहीं होता है? हमारा नहीं होता है, आपका नहीं होता है, तो यही सब बोलते रहता है, सभी बात गलत है। ज्योतिषी का मेन काम है कि वो गाइडेंस दे। ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है। आप हमारे पास आइएगा, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, बोले सर पहली बात तो आप जैसे लोग भरोसे नहीं करते हैं ज्योतिषी पे। अभी मेरा सवाल यही था कि भरोसा कैसे करें। भरोसा ही नहीं करते हैं। लेकिन जब आप रियल ज्योतिषी से टकराइएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, 1 घंटा हमसे बात कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हम आधा पागल हो गए कैसे। और फिर अगर गलती से हम आपका प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन निकाल करके उपाय करा के पूजा करा देंगे और 2 महीना में आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, तो आपको बोलेगा अरे बाप रे कैसे। इसी को सौर मंडल की शक्ति बोलते हैं, यह अनुभव से आता है। बट एनीवे लोग कहेंगे कि इतना पता था तो पिटाए काहे गए। अरे मेरे भाग्य में लिखा हुआ है हमको पिटाना है, उससे भी हमको सफलता मिले, यही मेरा भाग्य है, हाँ कि ना। कल को क्या मेरी तबीयत खराब नहीं होगी? अरे भाग्य से राम जी नहीं बच पाए, हम कैसे बचेंगे। ज्योतिष एक पढ़ाई है जो ब्राह्मण के अलावा भी कोई हो सकता है। मैं ओबीसी जात का हूं, ओबीसी एनेक्स 2 में आता हूं, अति पिछड़ा वर्ग का हूं, है ना। ज्योतिष ब्राह्मणत्व तो नहीं है लेकिन पूजा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, ये अलग बात है। सर जिस तरह से आपने तमाम जो गणना की है देश दुनिया की, वाकई इंटरेस्टिंग है और हम सोचेंगे और देखेंगे भी कि आप जो बोले हैं वो आगे होता है या नहीं होता है। मतलब मेरी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है। लेकिन इसके बाद हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, जब हर विषय पर आप इतने मुखर बोलते हैं तो राजनीति पे क्यों नहीं बोलते हैं सर? क्यों नहीं बोलेंगे आप पूछिए। देखिए सिंपल सी बात है, व्यक्ति को सबसे पहले कभी भी राजनीति में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक वो अपने रूप में आर्थिक रूप से संपन्न ना हो। ये जो आप बहुत लोगों को देखते हैं ना कि इलेक्शन का समय भी है और अब राजनीति चल रहा है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इलेक्शन एंड ऑल। ट्रस्ट मी, जिसको नेता बनना होगा उसका भाग्य अलग होता है। मेरे जीवन में नेतृत्वकर्ता का योग लिखा हुआ है, मैं नेता बनूंगा ही बनूंगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लोग ऑफर लेके आएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मोदी जी जिला परिषद कभी चुनाव लड़े थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे, हाँ कि ना, सच्चाई है। तो जिसके जीवन में नेतृत्वकर्ता का योग लिखा रहता है, ईश्वर उसको खुद चुन लेता है। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि आपको जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न ना हो तब तक राजनीति ना ज्वाइन करें, पहला। दूसरा, ये मैं अपनी जनता को भी बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं, मतलब सही बात के लिए भी पैरवी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ एक स्टाफ है, विकलांग पेंशन योजना नहीं मिल रही है, तो मैं नेता को नहीं बोलूंगा, मैं एक अधिकारी को बोलूंगा। आप समझ गए बात को? नेता बहुत बार टाल मटोल कर देते हैं, है ना, वो सिस्टम है। लेकिन और नेता भी किसको बोलेंगे? अधिकारी को बोलेंगे, हाँ कि ना। अल्टीमेटली इस देश की व्यवस्था कौन चला रहा है? अधिकारी।
तो अधिकारी को अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है, सपोज करिए आपके आपका गाड़ी कोई पकड़ लेता है, तो इतना कानून है कि आप चाहे तो आपकी गाड़ी को सीज कर दे, आप सब कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं तो भी, लेकिन अगर आप उसको बोलिएगा हजूर गलती हो गई है सर बताइए ना क्या करें, तो कहेगा अच्छा ठीक है तो 200 रुपये चलान मारो फाइन भरो जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड राजनीति का मतलब क्या है। ये हम ही लोगों का समाज है, इस समाज में हम एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट आदमी को चुनते हैं कि आप हमारा नेतृत्व तो करिए, हमारे टैक्स सैलरी से आपको 3 लाख रुपया सैलरी या 5 लाख रुपया सैलरी मिलेगी, आप कार का उपभोग करिए, राजभवन का उपभोग कीजिए, व्यवस्था का उपभोग कीजिए, और कृपया हमारे बारे में अच्छा निर्णय लीजिए, नाली बनवाइए, सड़क बनवाइए, कानून का निर्माण करिए जिससे कि हमें लोग तंग ना कर सके। अमेरिका में तो थाना प्रभारी के लिए चुनाव होता है सर। मैं तो उस फ्यूचर की राजनीति देख रहा हूं जहां पर यह कहा जाए कि साहब ट्रेन लेट हो गई 10 घंटा तो आपको फाइन मिलेगा, ये जमीन में आप रजिस्ट्री शुल्क देते हैं 7%, हम गए अपना जमीन बेचे आप खरीदे हम कल को कब्जा नहीं दिए, क्या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए सरकार को 7% कह लेते हैं जी कहे लेते हैं, अगर आप कब्जा नहीं दिला सकते तो 7% कहे लेते हैं खाली साइन करने का। 20 साल के अंदर में ऐसी राजनीति आएगी सर, गवर्नमेंट की हर इकाई अकाउंटेबल हो जाएगी। युवा वर्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और नेतृत्वकर्ता बहुत पीछे है। एक ऐसा समय का बदलाव आएगा, आप सोचे थे कि मोबाइल में दुनिया आ जाएगी, और मैं आपको 10 साल के बाद बोल रहा हूं कि पूरी तरह से रोबोटिक युग आ जाएगा, समझिए। तो अकाउंटेबिलिटी का युग आएगा। अभी भी हम लोग किस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो साड़ी दे देंगे, तो धोती दे देंगे, तो दाल दे देंगे, तो भात दे देंगे, टीवी दे देंगे, तो फलना दे देंगे, तो नौकरी दे देंगे, है कुछ नहीं। वो समय कब आएगा जब नेता ये कहेगा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं स्टैंप पेपर पे, 1 साल के अंदर अगर नहीं किए तो हमने गद्दी छोड़ देंगे। आप प्राइवेट कंपनी को फाइन करते हैं कि नहीं करते हैं ना, आप गवर्नमेंट कंपनी को फाइन करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो आपको जिन वादों के ऊपर किसी ने चुनाव जितवाया, जिनको राजा बनाया, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में चुनाव बिजली पानी के मुद्दे पे नहीं होता है, क्या किस मुद्दे पे होता है, हम इस देश से संबंध अच्छा रखेंगे, इस देश से संबंध खराब करेंगे, सर विजन की बात है। क्या 10 साल पहले आपने सोचा था कि आप 60 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट पेश करेंगे, नहीं सोचा था सर। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, एक अच्छा नेता मिला सर, आज भारत के दूसरे सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला राज्य बन गया कि नहीं बन गया, हाँ कि ना, गलत की सही, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर काम करने जाते थे, हाँ कि ना सर। नेतृत्व तो कर्ता की बात है, वो विजन उसके पास रहेगा तो वो हर चीज से इकोनॉमी और सुख संपदा निकाल के, और कहेगा गुंडा लोग शांत हो जाओ, व्यापारी लोग खुश हो जाओ, पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, चोरी बंद होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम कर देगा। बाप रे बाप, इतना पावर है उसके पास। आप विधायक को कम समझते हैं, उसके पास एक आईएएस से ज्यादा पावर है, अगर वो अपने पावर में आ जाए तो बहुत पावर होता है सर, वो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडुकेशन, हम दामाद चुनते हैं जाति के नाम पर, हम नेता नहीं चुनते। जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, सिंह जी आप राजपूत हैं, हम जायसवाल हैं, क्या आपने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार किया? नहीं किया ना। तो हम लोगों, अच्छा काहे हिंदुओं में जाति गिनाया जाता है, मुसलमान में काहे नहीं जाति गिनाते हो भाई, क्रिश्चियन में काहे नहीं जाति गिनाते हो भाई, हिंदू समाज को ही तोड़ने की व्यवस्था क्यों चल रही है? सिंपल बात है ना, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये फलना है, ढेकना है, हम आपको मुसल, अरे हम तो कुरान, आप समझिए इस बात को, हमने हर होली बुक को पढ़ा हुआ है, हमसे कोई बहस कर ले, हर एक समाज में फिरके हैं। धर्म कबीलों की व्यवस्थाओं से निकला हुआ एक सिस्टम है, एक्चुअल जो सिस्टम है वो इंसानियत है, और सभी को इसका पालन करना चाहिए एक सभ्य समाज में, हाँ कि ना। और राजनीति आपकी सामाजिक व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ा सकती है, आपको सिक्योरिटी दे सकती है, आपके बच्चे को यह कह सकती है कि बेटा स्कूल जा रहे हो किडनैप नहीं होगे, हाँ कि ना। ये समाज तय नहीं करेगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था तय करेगी, हाँ कि ना। तो ऐसी भी फ्यूचर आएगा सर, संघर्ष करेंगे। हमको अब काहे हाफ पैंट में देखते हैं, हम एकदम श्योर हो चुके हैं, हम मर भी गए आज तो मेरे परिवार को 1 लाख रुपए का दिक्कत नहीं ना होगा, इतना तो एफडी से आ जाएगा। तो पहले आर्थिक रूप से मजबूत होइए, फिर ही पार्टी कीजिए, को
कोई टेंडर नहीं मिलने वाला है, सब नेता के रिश्तेदार को ही मिलेगा, लिख लीजिए मेरी बात को, और नहीं तो 5 साल में जितना टेंडर निकला है उसका एक्चुअल ऑनर का नाम निकाल लीजिए। बिना बात का लगे हुए हैं, सब परेशान है, कुछ नहीं होने वाला है, पहले धन का जुगाड़ करिए, धन ही एकमात्र कलयुग की सच्चाई है, कितना समझाएंगे भाई। जिन राजनीति के पास धन नहीं है वो ही शायद राजनीति में आते हैं तो फिर धन कमाने के लग जाते हैं। नहीं, उनको धन नहीं मिल पाएगा, वो उपयोगी होने वाले वस्तु हैं, प्लीज समझिए। आपकी भावनाओं का हम इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे सर कुछ करवा दीजिए, हम कहेंगे अच्छा अच्छा लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हाँ कि ना। समझदार आदमी और प्रोफेशनल आदमी में अंतर है, समझदार आदमी आपका उपयोग करेगा और प्रोफेशनल आदमी आपके टैलेंट को उठा करके आपको आगे बढ़ा देगा, हाँ कि ना। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर झारखंड में सही लोग सिस्टमेटिकली काम करें तो शायद ये इंडिया का टॉप 5 richest स्टेट बन सकता है। अच्छा एक बात बताएं, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि संधीय ढांचा होने के बावजूद यहां से जो कोयला जाता है उस पर राज्य सरकार को कितनी आय होती है, अबरक से कितनी आय होती है, यूरेनियम है कहीं इंडिया में? नहीं है ना। लाखों एकड़ जमीन आपके पास खाली पड़ा हुआ है मगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सब्जी नहीं उगाते हैं, धान के अलावा कुछ नहीं उगाते, काहे नहीं उगाते हैं जी? जमशेदपुर से लेकर के यहां तक रांची तक मेट्रो रेल बना दीजिए, पूरा का पूरा 140 किलोमीटर डेवलप हो जाएगा कि नहीं? हरिया को बोतल में बंद करके काहे नहीं बेचते हैं? बालू को नदी से निकाल करके सीमेंट की तरह 25 किलो का बोरी में क्यों नहीं बेचा जाता है जिससे कि एक्साइज ड्यूटी की प्राप्ति हो, हाँ या ना? ये कल के कल हो सकता है, करने वाला चाहिए, गलत कि सही? अब नहीं हो रहा है शक्तिवान, करना पड़ता है, आपको जिंदा रहना है ना, रहना है ना, सिस्टम में रहना है ना। हर व्यक्ति भयभीत है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा स्कूल, मेरा फलना, मेरा समाज में इज्जत, वो सोचता है कि हम आगे निकल गए तो ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समाज में जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक सामाजिक चेतना नहीं जगेगी, क्यों आदिवासी राज्य होने के बावजूद, आदिवासी विधायकों होने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी है, क्यों? क्योंकि उसके आर्थिक उत्थान के लिए काम नहीं किया गया। कब तक ये बोलते रहिएगा कि दूसरे हक लूट के लेके गए, आपने टैलेंटेड नहीं बनाया साहब। 22 साल हो गए झारखंड को आजाद हुए, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मेरे पापा यहीं काम करते थे, मैंने देखा है 1993 में लीची का झोला भर के लाते थे, आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम लीची 1 किलो नहीं खरीद पाते, हाँ कि ना। तो समाज में बदलाव आया है मगर आदिवासियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए ज्यादा इस सब बात पे कितना बात करेंगे सिंह साहब, बस ये है, मेरे युवा, मेरे झारखंड के लोग, जागिए और अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ के भी काम कीजिए। देखिए कितना गाली पड़ा हमको, कितना मारा हमको, कितना हमको बदनाम किया, हगल मुतल पानी बोला, मैं खड़ा हूं ना, मत डरिए, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आप नहीं डरेंगे तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, इस शैलेंद्र जायसवाल का वचन है। और कुछ ऐसा करिए कि झारखंड राष्ट्रीय मानचित्र में सबसे अमीर राज्य में हो और यहां पर भी वो सारी सुविधाएं हो जो महाराष्ट्र गुजरात में होती है। क्यों हमारे यहां की लड़कियां दिल्ली में, महाराष्ट्र में नौकरानी बनने के लिए जाए, क्यों जाए? अरे हम गरीब हैं इसीलिए जाना पड़ता है, नहीं जाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दो समाज में, 1000 रुपए विधवा पेंशन से कुछ होता है, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये व्यवस्था खराब है और ये पार्टी खराब है और वो पार्टी खराब है, हम ये कह रहे हैं जनता जागरूक हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि पैरेलल गवर्नमेंट हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सरकार को भी डर हो कि हमें जनता के बीच में जवाब देना है और जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार कोई भी रहे, किसी का जाति का हमको लिए हुए हैं, जो अच्छा काम करे वो चुनाव जीते और हमारे ऊपर रूल करे, हमारे को सिस्टम सिखाए, हमसे कोई गलती हो तो हमको कहे कि ये सुधारो। सरकार दयावान होनी चाहिए, सरकार राम राज्य की तरह होनी चाहिए, सरकार हमेशा गरीबों की, व्यापारियों की सुनने वाली होनी चाहिए और गुंडों का खात्मा करने वाली होनी चाहिए, हाँ कि ना। धन्यवाद सिंह साहब। आज एक विशेष
ज्ञान भी मिला राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, और लगता है राजनीति में हम तो कहेंगे सर आप आ ही जाइए। नहीं, 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 उस दिन आना होगा, वो भाग्य है मेरा, अपने आप लोग आएंगे। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा, डरता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले परिवार के लिए काम किया। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा सेकेंड हार्ट में पढ़ती है, एक सफायर स्कूल में पढ़ता है, पत्नी है जो कि बुंडू से है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी में हम घूमते हैं तो पेट्रोल का मुँह नहीं देखते हैं, दो गो इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि कपड़ा इधर से उधर ले जाता है, आ स्कूटी भी है तो इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल पंप का मुँह नहीं देखे। आप लोग भी सब इलेक्ट्रिक अपनाइए, काहे ला पेट्रोल खरीदना दूसरे देशों से जिसमें पैसा लगता है भारत सरकार को, हाँ कि ना। देश के लिए सोचिए, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। राज्य के लिए सोचिए, राज्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अगर आपको कहीं पर बारिश के दिनों में सड़क पर पानी जमा हुआ दिख रहा है और हल्का सा जाम है तो बैठ जाइए और उसको साफ कर दीजिए। यहां से शुरुआत होगी तो सोचिए 5 साल में झारखंड कितना बदल जाएगा। झारखंड को बदलना ही है, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि झारखंड अगले 10 साल में उन्नत स्टेट बनेगा। मैंने फिर कहा है, लीडर व्यक्ति पहले खुद से होता है, दुनिया उसको बाद में लीडर मानती है, हाँ कि ना। और बेशक शायद यही कारण है कि वाइल्डवादी आज इतने प्रगति पे है और अवार्ड पे। तो देखो सर, अगर हम राजनीति में गए तो हम रिजाइन कर देंगे, करना ही पड़ेगा ना, लाभ के पद पे आप नहीं रह सकते हैं, तो वाइल्डवादी से भी रिजाइन कर देंगे, और अगर और कोई कंपनी में डायरेक्टर है तो रिजाइन कर देंगे हम, आप सामान्य आदमी हो जाएंगे। नहीं, तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है, मगर मैं इस स्थिति में आ चुका हूं कि माता रानी की दया से मैंने इतना कुछ अर्जित कर लिया है कि अब अगर मैं सब कुछ छोड़ के राजनीति में जाऊं या सामाजिक व्यवस्थाओं में जाऊं तो मुझे अगले 2-3 पुस्तों के लिए नहीं सोचना है। That is very clear. और ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूं, इतना आप लोग भी करिए, सोचिए, हजारों अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है जिसको आप देखते नहीं है, है ना। लेकिन जिनके पास भी कॉमन सेंस है, प्लीज 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 डू द बिजनेस, डोंट रन बिहाइंड ऑफ द जॉब, बिकॉज द जॉब इज वेरी लेस एंड स्पेशली द गवर्नमेंट जॉब इज वेरी लेस। लोग आपको कहेंगे तो जॉब के लिए मोर्चा निकालो, आंदोलन निकालो, वो सब और सब सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं, आपकी भीड़ का उपयोग कर रहे हैं, आपकी जवानी का उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद बेशक, और ये एपिसोड आज हम यहीं खत्म करते हैं, और एक बार फिर से आपको हम डेट बता दें सर ने, 25 फरवरी 2024 संडे का दिन है और सुबह 8 बजे आपको आ जाना है और शलिन जायसवाल से व्यापार की बातें करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम बतलानी है, मुझसे बहस करनी है। सर आप बोलते हैं ऐसे लोन मिल जाएगा, आपको मैं सिखाऊंगा लोन का सिस्टम क्या होता है, कैसे लोन मिलेगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि लोन डिफॉल्ट होने पे क्या क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा कि व्यापार में कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप फूल झाड़ू का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करिए, और अगर आप एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल खोलना चाहते हैं तो कैसे करिए। धन्यवाद, और इसी के साथ ये वीडियो हम ये खत्म करते हैं। सर के थॉट्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। इंट्रोड्यूसिंग हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, नेस्टेड इन अ लश ग्रीन 120-acre कैंपस बिटवीन सिलीगुड़ी एंड जलपाईगुड़ी टाउन। अनलॉक योर एकेडमिक पोटेंशियल एंड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस विद अ इनोवेटिव करिकुलम एंड एक्सेप्शनल फैकल्टी। Discover your passion and unleash your energy with a diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at a welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.